आपको मनी ट्रांसफर करना है ऑनलाइन, तो आरबीआई के अपने दो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम होते हैं। एक होता है कि जो भी कॉमन में मिडिल क्लास को अप टू 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने हो तो नेफ्ट है। दूसरा होता है आरटीजीएस की, जहां पर ये बड़े बड़े लोगों को अप टू 2,000 करोड़ रुपए एक ही बार में ट्रांसफर करने तो आरटीजीएस सेपरेटली। ये तो आरबीआई खुद चलाता है सेपरेटली। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, उसने भी एक अपना मनी ट्रांसफर के ऐसी सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और उसके अंदर अप टू 5 लाख रुपीज तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ये लिमिट थी 2 लाख रुपए, फिर कुछ 2022 में चेंज किया था, वो भी हम पहले देख चुके। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद बहुत सारे और भी टॉपिक थे, लेकिन हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फ्री में ही पढ़ चुके हैं, नीड नॉट वरी, तो मैं इसमें वापस जा नहीं रहा। नया जो गुणगान और महिमा मंडन चल रहा है, चाहे पूरे साल में जो अपडेट रहे या लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने जो ऑब्जर्व किया हो, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में वो कुछ बोला, तो इसको भी मेंटल वार्म अप हम कर लेते हैं। यूपीआई चीज क्या है? सपोज मुझे एक वेब पेज बनाना हो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल लैंग्वेज से मैं सब लिखूंगा कि सपोज H1 मृणाल, फिर मैं वापस करूं एंड H1, ऐसा मैं कोड लिखूं तो वो क्या हेडिंग 1 मृणाल कर देगा। फिर मैं बनाऊं ऑर्डर लिस्ट OL, फिर उसमें मैं लिख दूं LI, मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2, फिर END(O) ओपन लिस्ट, तो ऐसा करके वो पूरा वेब पेज बनाता है। तो वो हुआ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ऐसे मैं 25 वेब पेज बना दूं और उसके अंदर मैं सब फोटो वीडियो ये सब इंटीग्रेट करूं, और फिर ऐसा मैं अपनी कोई वेबसाइट बना दूं कि www.unacademy.com या कुछ, तो ऐसी जो वेबसाइट सब एग्रीगेट होती है उसके लिए अलग अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म याद नहीं रखने हैं हमें, तो समझना है यूपीआई में उससे पहले कि वो बनना कैसे है और वो करता क्या है। तो ऐसे बहुत सारे वेब पेज जमा आप करते हैं तो आप एक वेबसाइट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम मैगजीन वगैरह वेबसाइट है। अब जो वेबसाइट होते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको पूरा HTML आना जरूरी नहीं है, उसके लिए अलग अलग कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, एक जात का ब्लॉग है। इंडियन एक्सप्रेस आप कहेंगे वेबसाइट है, पर वो असल में ब्लॉग ही है, जो अलग ऐसी थीम है कि आपको लगे वेबसाइट। उसी तरह जूमला, द्रुपल, बहुत सारी चीज होती है। नाउ सिमिलरली अगर मुझे पैसा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, तो मैं क्या करूंगा, वो जो एकदम फाउंडेशन में कि नेफ्ट आरटीजीएस और आईएमपीएस, इससे हम क्या करते हैं पैसा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। अभी वो तो टेक्नोलॉजी अपन आपको दिखेगा कैसे, फ्रंट में दिखना चाहिए ना कुछ मोबाइल ऐप के जरिए या वेब पेज के जरिए। तो ऐसे जो भी टूल टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम मनी ट्रांसफर के एप्स बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी का नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। और ऐसी टेक्नोलॉजी से हम ढेर सारे ऐप बना सकते हैं, जैसे एनपीसीआई ने खुद से बनाया एक भीम ऐप, एक्सिस ने बनाया एक्सिस, फिर योनो, SBI, बड़ी बहुत सारी चीज। सो जस्ट लाइक HTML, फिर एक वेब बनता है और वेब के अंदर से अलग अलग वेबसाइट निकलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मनी ट्रांसफर होता है और उसको फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए जो ऐप बनाए जाते हैं उसके लिए ये यूपीआई नाम की चीज़ है। ऑफ कोर्स ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी विल नॉट वेस्ट टाइम लर्निंग ऑल दिस, क्योंकि MCQ के लिए वो इतना काम का नहीं। सो यूपीआई इज वॉट इट इज अ टेक्नोलॉजी टू डेवलप मोबाइल एप्स फॉर मनी ट्रांसफर। अब ऐसे आपके पास आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन होंगे तो अफलातून ऐप बन सकते हैं, भीम, एक्सिस पे वगैरह। पर आपके पास वो पुराने जमाने का नोकिया हो, जिसको हम कहते हैं बेसिक फोन, मतलब नंबर पैड वाला, और उसमें ये सब एंड्रॉयड या एप्पल का सब iOS सिस्टम ना हो, तो ऐसे जो नॉन स्मार्टफोन है वहां पर भी ऐसा सब हम कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है हाँ, कर सकते थे। इसको और आसानी से हम कर सके इसलिए कुछ नए मॉड्यूल्स बनाए गए, उसको हम कहते हैं 1-2-3 पे। अब वो कैसे काम करता है नॉट इम्पॉर्टेंट, एक लाइन में याद रखना है कि हाँ 1-2-3 पी क्या है। मनी ट्रांसफर यूजिंग बेसिक नॉन स्मार्टफोन यूजिंग यूपीआई एंड अदर टेक्नोलॉजीज, उसके वास्ते जो नए नए मॉड्यूल्स किए गए, दैट इज 1-2-3 पे। ये सब डेवलप कौन कर रहा है? NPCI। उसमें उसको सुपरवाइज करना, उसकी मदद करना, वो सब काम कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तो वो था फाउंडेशन। अभी यूपीआई के बारे में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2023 ने क्या कहा, तो वो ये कह रहा है कि पब्लिक दे दरादन यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर रही है और ये सब बहुत महान है। देर इज स्टेडी इंक्रीज इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड देर इज स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन डन बाय यूपीआई। उसके आसपास वो लंबी चौड़ी कहानी गए, पर उसका जिस्ट निकालो MCQ के वास्ते तो वो इतना ही है। अब इसमें पूरे साल में नए नए क्या
और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लिए गए। तो ये जो यूपीआई वाले ऐप हैं, सपोज एक्सिस पे या भीम या कुछ, उसमें आप सब ऑटो कट या डेबिट या ऐसे सब आप कमांड दे सकते कि मेरा हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल कट कर लेना फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। और उसके लिए यूपीआई टेक्नोलॉजी और वो सामने जो भी आपकी रिलायंस पावर या जो है उनके साथ वो कनेक्ट करके ऐसा करे। अब इसमें इन लोगों के कुछ नया फैसिलिटी देंगे, ऐसा आरबीआई ने एनपीसीआई को कहा। वो ऐसा है कि सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपी हो और मैं इससे शॉपिंग कर सकता हूँ यूजिंग यूपीआई वाले एप्स, द आंसर इज यस। अब उसमें मैं मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकता हूँ कि हर महीने नॉट मोर देन 5,000 रुपी इलेक्ट्रिसिटी बिल के कट कर लेना, मतलब 3,000 का बिल आए तो कट कर लेना, 4,000 का बिल आए तो कट कर लेना, 5,000 का हो तो मत कट करना, मतलब 6,000 का हो तो डोंट कट इट, वो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से चेक कर लूंगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसी तरह हर महीने नॉट मोर देन 10,000 रुपी मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करवा देना, हर महीने 3,000 से ज्यादा टैक्सी होटल में नहीं जाने चाहिए, बिग बास्केट से जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी वेजिटेबल वगैरह, तो उसका नॉट मोर देन 3,000 रुपी उसके ऑटो कट कर लेना। अब आप कहीं पर इसका उपयोग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दैट यू आर रनिंग, सपोज मैं एक बुक पब्लिशिंग कंपनी चलाऊं जैसे मैग्रो हिल या कुछ, तो बुक पब्लिशिंग कंपनियों में क्या होता है, आप बहुत सारे सेल्समैन रखते हैं और फिर आप उसको टारगेट देंगे कि तुम पुणे जाओ, तुम नासिक जाओ, तुम अहमदाबाद जाओ और वहां जाके सब कॉलेज में जाके अपने अपने बुक्स को आप लाइब्रेरी में रखवाने, उनके प्रोफेसर को कहना है कि हमारे बुक्स को रेकमेंड करें। तो ऐसे मेरे जितने लोग होंगे उनको मुझे देना होगा कि आप टैक्सी का इतना, होटल का इतना पैसा आप यूज कर सकते हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में या ऐसे कंपनी के बैंक अकाउंट में मैंने पैसा रखा और फिर मैं ऐसे कमांड करके रखूं कि ऐसा जो भी मेरा एम्प्लॉय नॉट मोर देन 3,000 रुपीज उसका महीने का होटल का खर्चा देना है, उससे ज्यादा होगा तो वो अपने पैसे निकाले, हमारा बैंक अकाउंट से नहीं कटने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज फॉर दैट पर्पज। ऑफकोर्स ये इससे ज्यादा जटिल है, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट आई एम सेइंग, पर हमें वो समझना नहीं है, सफिशियंट टू नो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज को क्या कहेंगे, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी। तो सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी वो किसके साथ जुड़ा है, तो ऐसे यूपीआई द्वारा मंथली आपको जो ऑटो पेमेंट करने होते हैं उसके साथ जुड़ा कुछ कंसेप्ट है, ओनली वन लाइनर, नॉट मोर देन दैट। हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज वन थिंग। आगे मैं आपको बता रहा यूपीआई वाले जो भी मोबाइल ऐप है उसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट, सपोज मैं जाके दाल खरीदूं 500 रुपये उसके हो जाए, तो मैं कमांड दूंगा उसको स्कैन एंड पे की फैसिलिटी आप जानते हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट में से जो भी होगी 1,00,000 रुपये उसमें से वो -500 रुपये ट्रांसफर करेगा सेलर के अकाउंट में और उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाए। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, यूपीआई वाले ऐप से ये सब होता है। इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में विजिट कर रहा है क्या वो एसबीआई में बैंक अकाउंट खोल सकता है? हाँ, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट वगैरह, सो दे वुड हैव ऑल्सो पुट सम मनी इनसाइड इट। मान लीजिए उसने $1,000 रखे हों और उस हिसाब से जो भी मान लीजिए 80,000 का बैलेंस उसका हो रूपी करेंसी, एंड देन इंडिया में वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसे यूपीआई वाले मोबाइल ऐप जो भी एसबीआई बड़ी योनो एक्सिस पे वगैरह से कुछ कर सकते हैं खेल? तो जवाब है यस, दे कैन ऑल्सो यूज द मनी यूजिंग यूपीआई वाले ऐप्स। तो ऐसा नया अपडेट आया और उसमें भी ये भारत में G20 समिट 2023 में होने वाली है, तो G20 देश के जो भी टूरिस्ट भारत में आएंगे वो कुछ एयरपोर्ट में आके ये सब खरीदारी कर सके, ऐसी उनको फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसा आरबीआई ने कुछ लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये यूपीआई का ऐप तो चलाता है, मतलब यूपीआई टेक्नोलॉजी एनपीसीआई की है, तो इधर आरबीआई क्यों बोल रहा है? बिकॉज आरबीआई हैज द पावर टू रेगुलेट एवरीथिंग। जो फॉरेनर इंडिया में आते हैं वो कितने डॉलर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसके वास्ते देयर इज वन फीमा एक्ट, सो आरबीआई कैन से थिंग्स। दूसरा, ये जो भी डिजिटल पेमेंट होते हैं उसमें भी सब नियम आरबीआई ही बनाता है, अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम कुछ रेगुलेशन का एक्ट है, सो यस देयरफॉर आरबीआई विल अनाउंस दिस थिंग्स। ये भी सब एक एक लाइन के मुद्दे हैं, उतना याद रखना है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ, ऐसा बोल के इंडियन एक्सप्रेस वाला एक्सप्लेन सीरीज चलाता है और फिर लोग भावुक हो जाते हैं, भावुक नहीं होना है, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, ये सब 40 मिनट उसके वीडियो फीडियो देखने का और एक्सप्लेन सीरीज देखने का ये चीज़ है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं अपने हैंडआउट में हमने कितना पढ़ लिया, जो भी इंडेक्स के हिसाब से, आई थिंक दिस इज page 5 खत्म, page 6 भी खत्म, page 7 भी खत्म, तो 3 पेज अपने खत्म हो गए, तो पढ़ के खत्म करो। इसमें और PhD करने आप बैठ सकते हैं पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी औकात इतनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
सो दैट वॉज अबाउट यूपीआई. दूसरा मित्रों, आरबीआई ने कुछ ऐसे मशीन लगाए कि जहां पर आप पेपर करेंसी नोट, सपोज आप 100 रुपए का नोट मशीन में डालो और सामने वो आपको 5 रुपए का एक ऐसे आपको 20 सिक्के चाहिए तो वो दे सकता है. ऐसे कॉइन वेंडिंग मशीन होते हैं. तो अब तक क्या था, आपने उसमें पेपर करेंसी इंसर्ट करते और आपको कॉइन्स मिलते. अब आरबीआई ऐसा लेके आए, नहीं इस पे भी ऐसा कोड लगा दो ना, यूपीआई का क्यूआर कोड लगा दो. और फिर मेरे एक बैंक खाते में मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो मुझे पेपर करेंसी नहीं डालनी, मुझे स्कैन एंड पे करके अपने यूपीआई वाला जो भी मेरा एसबीआई का या वो कि मेरे 1 लाख रुपए में से 500 माइनस करो और सामने मुझे 5 रुपए का एक ऐसे 20 सिक्के दे दो. तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, QCVM. ये भी एक लाइन का ही मुद्दा है कि क्यूआर कॉइन वेंडिंग मशीन और उसमें क्यूआर कोड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वन लाइन. ये अभी लेटेस्ट, ये 2023 की फरवरी में आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी उसके साथ बोला था कि ये नई नई चीज भी आ रही है. क्यूआर कोड को इन्वेंट किया था जापान के कुछ इंजीनियर्स ने 90s के जमाने में. ट्रेडिशनली क्यूआर कोड ऐसा स्क्वायर शेप का होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लेबल में जगह बहुत कम होती है तो आपको ऐसी छोटी सी पट्टी मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल शेप वाला क्यूआर कोड भी होना चाहिए. तो ये कुछ नया लेटेस्ट ऐसा रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है. तो RMQR क्या है, RNA का कुछ नया वैक्सीन बनाने की चीज है वगैरह नहीं, ये सब मतलब साइंस टेक के अंदर जो एक चीज है उसमें भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के MCQ आजकल होते हैं कुछ. सो नाउ यू नो कि RMQR क्या है, वो कोई RNA का कोड नहीं है, वो इसकी बात कर रहा है. इससे क्या फायदा है, प्रोडक्ट पे आप छोटी छोटी जगह पे कल लगा सकते हैं और उसमें भी जो स्कैन करना है कुछ पे करना है, इट विल हेल्प. ये भी एक लाइन का मुद्दा है. उसके बाद टोकनाइजेशन. अब वैसे टोकनाइजेशन में इससे पहले वाले सालों में भी पढ़ा ही चुका था तो कोई नई बात है नहीं, बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन देखिए. जो Win22 सीरीज हुई थी उसके अंदर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं सब प्री सीरीज के अंदर ही, तो इसलिए वो कुछ नया नहीं है, इसलिए मैंने वापस बहुत उसमें लिखा पढ़ी नहीं की है. बट जस्ट फॉर रिकैपिंग, क्योंकि कुछ 2022 से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. सो जस्ट अ मिनट. सिंपल इन 3 लाइन आई विल एक्सप्लेन. आपको फर्जी स्पाम से बचना है तो आप क्या करोगे, एक फेक ईमेल आईडी बना लो कि मेरा प्राइमरी ईमेल आईडी हो मान लीजिए moonal@gmail, हालांकि वो है नहीं किसी और के पास है, बट सपोज दैट इज माय प्राइमरी ईमेल आईडी. अब उससे मैं इधर उधर कोई वेबसाइट पे जाके कमेंट मारूंगा तो आप जानते हैं वो मेरा ईमेल आईडी फिर स्पाम भेजना शुरू करेंगे. सो व्हाट आई शुड डू कि moonal.fake@gmail.com ऐसा नया सेकेंडरी ईमेल आईडी बनाऊं और उसकी मदद से मैं अलग अलग वेबसाइट पे जाके जो भी तैमूरीज़ अ क्यूट बेबी एंड पठानीज गुड मूवी और एक्स वाई बैड मूवी जो भी मुझे कमेंट मारने हो मैं जा क्या हूँ, तो मार्केटिंग स्पाम आएंगे लेकिन वो मेरे प्राइमरी ईमेल आईडी पे नहीं आएंगे. सो दैट इज द पर्पस. सिमिलरली जब आप एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं Amazon या कहीं से, तो वो आपसे डिटेल मांगता है कि आपका नाम क्या है, विजय दीनानाथ चौहान, आपके कार्ड का नंबर क्या है और कार्ड का पिन नंबर या CVV नंबर क्या है. देन व्हाट विल हैपन, वो उसको स्टोर करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने आए तो आपको वापस से ये रीटाइप न करना पड़े. आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज है ना कि अपना टाइम बचता है, दैट इज करेक्ट. पर फिर अगर ये वेबसाइट के अंदर किसी ने हैक कर लिया तो आप क्या करेंगे, आपका डेटा चला जाए. सो व्हाट आई शुड डू, इधर भी फेक आईडी बना दूं मैं अपना, तो प्राइमरी कार्ड है उसके साथ लिंक किया हुआ मैं एक नया फेक आईडी कार्ड बना दूं जिसको हम कहें कार्ड टोकनाइजेशन प्रोसेस. मान लीजिए मेरा ओरिजिनल कार्ड नंबर हो 1234, तो उसको ऐसा कुछ कर देगा 4134, इसका जो भी ऐसा एल्गोरिदम होगा कि वो चेंज कर लेगा. फिर आप शॉपिंग करो, हैकर करेगा तो इसी को हैक करके उसको पता है बट इससे कुछ होगा नहीं वगैरह वगैरह. नाउ अगेन हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, लेकिन ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि इसमें से वन लाइनर MCQ का ही सीन बनता है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग, तो कार्ड टोकनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक जात का फेक आईडी या टोकन आईडी आपका बनाते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड का सो दैट योर अकाउंट बिकम्स मोर सिक्योर. सो दैट इज वन थिंग. अभी
इसके बाद हुआ था बिटकॉइन और नॉन फंजिबल टोकन, उसमें जो भी बताना था ऑलरेडी हम कई बार आराम से पढ़ चुके हैं, फ्री सीरीज में भी और पेड सीरीज में भी। उसमें नया क्या है, तो टॉपिक के रूप में मैंने ये नया किया कि उसमें एक अफलातूनी कॉमिक टाइप का बना के किया था। सो सिंपली यू रीड इट और आपको पता चल जाएगा कि पूरा मामला क्या है। बिटकॉइन वगैरह डिजिटली जनरेट होते हैं, तीन तरीके से हासिल कर सकते हैं, माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और निकालो, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बर्बाद होती। दूसरा तरीका हो सकता है कि जिसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है आप उसको कुछ अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचो और उसे खरीद लो। तीसरा तरीका हो सकता है कि आपके पास रुपया है तो आप 18 लाख रुपीज दे दो तो सामने वो आपको 1 बिटकॉइन दे देगा। सो देर आर 3 वेज टू एक्वायर बिटकॉइन्स एंड अदर क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये सब खराब है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके पॉल्यूशन फ्रॉड सब होता है। लास्ट बजट में नया क्या था, उसने ऐसा कहा था कि अगर आप बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर 30% कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, और जो भी ट्रांसफर हो रहा है उस पर 1% TDS है। ये सब हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं Win22 सीरीज में, तो हम वापस उसमें दिमाग खर्च नहीं करें। अब उसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, बोला तो उसने 2 पेज भर के है लेकिन उसमें बात ऐसी है, 4 लाइन में बतानी हो, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी आर डेंजरस। उसमें बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे एक FTX नाम की कंपनी थी जहां पर लोग ये बिटकॉइन बाइंग सेलिंग का सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, उसका मालिक सबको चूना लगा के भाग गया, 10 लाख लोगों का पैसा गबन हो गया। प्राइस में काफी वॉलेटिलिटी है, कुछ ऐसा भी टाइम आया कि 1 बिटकॉइन का प्राइस ऐसा लगने लगा कि 50 लाख या 17 लाख या कुछ हो गया, और अचानक फिर गिर के हो गया अराउंड 18 लाख रुपीज। तो इसके दामों में काफी अस्थिरता है। तीसरा प्रॉब्लम है टैक्स इवेजन, आप इन्वेस्ट करते हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप सरकार को छुपाते हैं, टैक्स नहीं भरते। चौथा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी, सब ये सॉफ्टवेयर उसके डिजिटल माइनिंग करनी पड़े वगैरह। फिर इसने ग्लोबल प्रैक्टिसेस की, देखो USA में तो ऐसे नियम है, जापान में तो ऐसे नियम है, ब्रिटेन में ऐसे नियम है वगैरह करके लंबे लंबे 2 पेज भरे, लेकिन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कोई सीन बनता नहीं कि उसका कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि उन देशों में भी कोई ऐसी अफलातून टाइप की नियम है नहीं कि जो MCQ के सेंस बने उसमें। लास्टली इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि सभी देशों ने मिलकर ग्लोबल कोऑपरेशन करना होगा ताकि हम ये जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसके क्या नियम होने चाहिए, टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, बैन करना चाहिए कि नहीं, उस पर नियम लिए जा सके। सो दैट्स इट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। अभी उसके बाद एक मुद्दा चला था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी लास्ट ईयर Win22 फ्री सीरीज में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जल्दी से रिकैप करना हो तो बात ऐसी है कि RBI करेंसी को प्रिंट न करे, कागज पे न छापे, डिजिटली इश्यू कर दे और वही सरकार को लोन में मिले, बैंकों को रेपो वगैरह लोन से मिले, स्टाफ को सैलरी मिले, फिर उसी की मदद से स्कॉलरशिप सब्सिडी सैलरी लोन सब घूमता रहे, तो इससे सब फायदे होंगे। ये ISI जो फेक करेंसी नोट बनाता है वो न्यूसेंस कम हो जाए, करेंसी प्रिंट करने का खर्चा कम हो जाए वगैरह। लेकिन इसमें चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर अटैक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्या, कुछ गरीब लोग के पास तो कंप्यूटर ही नहीं है तो कैसे यूज करेगा। उसके बाद बहुत सारी उसकी पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें सब अकाउंट बेस्ड टोकन बेस्ड दिस दैट फला डिमका, वो सब पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें और दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं। आप पूछेंगे लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला इस पे, तो जवाब है कुछ नहीं बोला, कुछ खास उसने बोला नहीं जिससे कुछ नया अपडेट आए जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उसके बियॉन्ड। और जहां तक बात है कि ये होलसेल और रिटेल अकाउंट और टोकन बेस CBDC वगैरह वो सब, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पे है तो इस पे बहुत दिमाग खर्च करके पढ़ने का मुझे फायदा लगता नहीं, सो आई एम टेकिंग द रिस्क, मैं इग्नोर कर रहा हूँ जो हमको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बियॉन्ड, हम इसमें कुछ नया देख नहीं रहे। मई महीने के वीक 4 में एग्जाम है, अब ये फेब्रुआरी भी मिडल तक हम पहुंच गए, तो ऑलवेज यू हैव टू कितना रखोगे और कितना छोड़ोगे, हाउ मच यू विल कीप फॉर प्रिपरेशन एंड हाउ मच यू विल लीव नाउ, वही अपना चीज होते रहेगी। सो नाउ आई विल हैव टू टेक मोर रिस्क कि भाई अब इतना देख लिया था अब इसको छोड़ो और आगे बाकी के सब्जेक्ट करो, सो दिस इज डन। कुछ लोग बाहू को क्या और पढ़ना चाहते होंगे तो आप खुद कहीं और से पढ़ सकते हैं, आई डू नॉट थिंक इट इज अ बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। तो जो अपना
पहला पिलर था, पिलर 1A1, ये डिजिटल पेमेंट। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। जो हैंडआउट मैंने आपके लर्न ऐप के अंदर अपलोड किया है, टेलीग्राम पे भी डाला है, तो सबसे पहली थी इंडेक्स, उसके बाद की PYQ का ट्रेंड क्या है, उसके बाद की पुराने स्टूडेंट ने कौन कौन सी सीरीज देखनी है, उसके बाद की Win20 सीरीज में कितना पड़ा, और उसमें ये रेड कलर से जो मार्क किया है, मतलब उन चीज़ों को आप इग्नोर करें क्योंकि वो अब मुझे इतना काम का नहीं। उसके बाद 21 सीरीज में क्या किया था, 2 में क्या किया था वगैरह। अब 2022 की सीरीज से जैसे मैं जो चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, इसको भी देखिए, ये PDF फाइल इससे ज़्यादा HD दिखती है। ये तो जब पोर्टल में, यहाँ वीडियो में देख रहे हैं इसलिए इसका वो सब कम हो जाता है रेजोल्यूशन, अदरवाइज एकदम HD क्वालिटी आप डाउनलोड करो। जैसे फेसबुक अपना एक लिब्रा नाम की चीज निकालने वाला था, फिर इसको डिसकंटिन्यू किया, तो अब वो पुरानी चीज, अब हार्बिंजर है क्या, तो 2021 भी अफकोर्स ऐसे ग्लोबल रिपोर्ट से या नेशनल रिपोर्ट से कुछ निकल सकता है, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो। हर छोटी चीज कुरेज कुरेज के निकालोगे तो उसी में आपके 200 पेज तो हो जाते हैं हर जगह पर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। डिजिटल पेमेंट बताया, फिर मैंने आपको बताया UPI, तो ये अपना पेज 5 खत्म हुआ। फिर ये 1 2 3 पे क्या था, वो सब नोकिया के बेसिक फोन पे भी चले UPI, इसके लिए फॉरेनर इंडिया में आएगा तो वो भी UPI यूज कर सके, तो हम पहुंचे पेज 7 पे। फिर स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटो और आपको कॉइन मिल जाए, ऐसा मशीन लगाएंगे, रेक्टेंगल साइज का ये QR कोड बनाएंगे, ये सब मैंने आपको बताया। फिर एक बात थी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, अब उसकी स्लाइड बना भी दिमाग की अपमान है, वो ऐसी बात है, अब जानते हैं NPCI वो सब अलग अलग चीज चलाता है, जैसे उसका रुपए कार्ड पेमेंट सिस्टम है, UPI नाम का मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी है, फिर नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जिसकी मदद से ATM का नेटवर्क चलाता है वगैरह। तो UPI का सामने प्रतिस्पर्धी कौन है, आपको Amazon तो सामने कंपेटिटर है, फ्लिपकार्ट, तो NPCI का कोई है नहीं ऐसा। तो RBI ने कहा कि हम ऐसी एक नई अम्ब्रेला एंटिटी को लाइसेंस देंगे जो UPI जैसा काम करे। फिर फेसबुक और अमेजोन सब आगे थी, मेरे को भी आना है, पर फिर RBI को मजा नहीं आया, तो RBI ने इस चीज को सस्पेंड कर दिया कि अभी हम इसको नहीं। ये ऐसी बात, कोई स्टेट PCS वाला जॉब एप्लीकेशन लगाए और फिर कहे नहीं अभी इसको नहीं करें, बाद में करेंगे, मतलब उसकी एग्जाम ही नहीं ले जाए, सो इट इज नॉट डन। इसलिए मैं इस पे और दिमाग खर्च नहीं कर रहा क्योंकि RBI ने उसको आगे बढ़ाया नहीं अभी। फिर मैंने आपको समझाया टोकनाइजेशन, तो हम पहुंचे पेज 10 पे, वो क्या, वो फेक आईडी बनवाने वाली बात। बिटकॉइन का पूरा मामला लास्ट ईयर हम पढ़ चुके, उसमें कोई नए खास अपडेट है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ने जो 4 5 बातें लिखी वो मैंने आपको अभी बताई और वो हैंडआउट में भी, सो दैट इज पेज 11। उसके बाद पहुंचे पेज 12 पे, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो तो लास्ट ईयर था, उसके बाद कुछ नया जानने लायक अपडेट्स है नहीं, तो खत्म, मतलब क्लास खत्म नहीं हुआ है, पहला जो हमको समझना था पिलर वो खत्म हुआ है, तो बिटकॉइन तक की बात खत्म।